नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच लीड्स में 25 अगस्त से खेला जा रहा है। टेस्ट सीरीज के पहले दोनों मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। पहला मैच मौसम की मार की वजह से ड्रॉ हुआ, तो वहीं जिसके बाद ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटा। अब सीरीज का तीसरा मैच जीत भारत इंग्लैंड पर 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा काफी शानदार फॉर्म में। पहले मैच में उन्होंने अच्छी शुरुआत प्राप्त, दूसरे मैच में वो शतक से चूक गए। हालांकि टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि ये धाकड़ बल्लेबाज जल्द ही शतक ठोकेगा। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने टेस्ट में विदेशों में एक भी शतक नहीं लगाया है, इसलिए उनकी आलोचना भी होती रही है। सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क से बात करते हुए कहा, लॉर्ड्स में किसी को पता नहीं था कि पहले दिन पिच कैसा व्यवहार करेगा, जैसे पिच में जान है या नहीं, या पिच पर उछाल होगा या नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा समय चाहिए होता है, और रोहित ने पहली पारी में जिस तरह से खेला वो शानदार था। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने आगे कहा कि अगर रोहित शर्मा इसी तरह बल्लेबाजी जारी रखते तो वो भारत की जीत में ज्यादा योगदान दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ऐसा ओपनर है जो जल्दी से 80 रन बनाकर दे सके तो वो शतक ज्यादा दूर नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।